First of all, Happy Republic Day to all. यहाँ पर सब पधारे सभी बच्चों, गुरुजनों, डायरेक्टर सर, डायरेक्टर मैम, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा. आई होप कि प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा. कुछ प्रोग्राम तो बिल्कुल यूनिक थे, नए थे, जो कि मुझे पहली बार देखने में मिले. तो हम आज का दिन क्यों मनाते हैं, पहले हम उस बारे में बात कर लेते हैं. तो एज यू नो, दिस इज द रिपब्लिक डे एंड दिस इज द 75th रिपब्लिक डे वी आर सेलिब्रेटिंग. दिस रिपब्लिक डे वी आर सेलिब्रेटिंग फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन. भाई हमें पता होना चाहिए संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. तो व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 वी वर अ लिटिल बिट कंफ्यूज कि व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट वी शुड हैव, किस प्रकार की सरकार हमारी होनी चाहिए. तो इससे पहले हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी चल रहा था, फिर उसके बाद में राजतंत्र आया, उसके बाद में विदेशी ताकतें आई, फिर अंग्रेज आए और फिर हमारा देश आज़ाद हुआ. तो हमें सभी प्रकार के जो सरकार के तरीके थे पता था, बट वी वर लिटिल बिट कन्फ्यूज व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट वी हैव टू अप्लाई. डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, मोनार्च, तो वो सारी चीज़ें डिसाइड करने के लिए वी मेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. और आप सभी को पता होगा 10th क्लास में आपने पढ़ाया कि देयर वर 299 मेंबर्स वर देयर आफ्टर द पार्टीशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड इट टुक 2 years 11 months 18 days. शायद आपको पता नहीं होगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे सिर्फ ये बात डिसाइड करने के लिए कि भारत में किस प्रकार की सरकार रहेगी. ये दुनिया में सबसे लंबा समय था किसी भी देश के लिए जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए लिया गया. और आखिर में क्या डिसाइड किया गया, बच्चा थोड़ा सा ध्यान दो, अच्छी बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को. आखिर में सभी लोगों ने यही डिसाइड किया कि 80% गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वही रहेगा जो अंग्रेजों के समय था. शायद आपको ये पहली बार सुनने को मिल रहा होगा कि 80% द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वी अप्लाइड द सेम एज ब्रिटिशर्स वर डूइंग. तो फिर आज़ादी के बाद में हमने बदलाव करा क्या, देट वॉज द ओनली 20%. सिर्फ 20% हमने सरकार चलाने का तरीका बदला, सिर्फ 20%. अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे ना, खासकर 11th 12th क्लास आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू. सिर्फ 20% वी चेंज और वो 1935 से अलग था. तो अपने देश में जो नियम कायदे बने हैं वो 1950 26 जनवरी से बने हैं, पर ये जो नियम है ये बहुत पुराने चल रहे हैं. तो इन नियमों को कब अप्लाई किया गया, 26 जनवरी 1950. अब यहाँ पर एक और बात उठती है कि हम इसी दिन को क्यों सेलिब्रेट करते हैं, जबकि हमारा देश का संविधान कब बनकर कंप्लीट हो गया था, 26 नवंबर 1949 को. वी टुक 2 months टू अप्लाई, 2 महीने हमने लिए. ज़्यादातर बच्चों से पूछा जाता है, बहुत कम लोगों को ये पता है कि ऐसा क्यों हुआ, 26 जनवरी 1950 को ही हमने गणतंत्र दिवस क्यों डिक्लेयर नहीं कर दिया. तो उसका एक कारण है, 1930 में हमारे देश में एक कन्वेंशन आया था, लाहौर कन्वेंशन, जिसमें डिसाइड किया गया था हर साल हम 26 जनवरी को आज़ादी दिवस के रूप में मनाएंगे. बट फॉर्चुनेटली वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 15th ऑफ अगस्त 1947. तो आर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स डिसाइडेड कि वी वर सेलिब्रेटिंग 26 जनवरी एज ए इंडिपेंडेंस डे, तो वी शुड सेलिब्रेट इट एज ए रिपब्लिक डे. तो 2 महीने बाद हमने 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया. ये सभी लोगों को पता होना चाहिए. तो भारतीय संविधान कानूनों से बना हुआ है, 395 आर्टिकल्स है, 12 पार्ट्स है, ये ध्यान रहना चाहिए सभी लोगों को. और 22 पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो जो एक कानून, कुछ नियम हमारे देश को चलाने के लिए दिए गए हैं, उन्हीं नियमों का संग्रह है संविधान. और उसी संविधान को आज लागू किया गया था, इसीलिए हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस. मतलब आज ही के दिन हमारा देश गणतंत्र बना था. गणतंत्र का मतलब होता है जो सुप्रीम लीडर है वो, और सरकार को चलाने वाला वो किसके द्वारा चुना जाएगा, विल बी इलेक्टेड बाय द हुम. गणतंत्र मतलब गण मतलब जनता, जनता के द्वारा चुना जाएगा. तो अपना देश 1947 से लेकर 1950 तक गणतंत्र नहीं था, रिपब्लिक नहीं था. इट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ रिपब्लिक डे बिकॉज आर गवर्नमेंट वॉज इलेक्टेड एज अ क्या चुना गया, डेमोक्रेसी एज वेल एज रिपब्लिक कंट्री. इसलिए हम आज का दिन सेलिब्रेट करते हैं. धन्यवाद. थैंक यू.